नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे शिवम। स्वागत है आपका टुडे क्रिप्टो में। लूना ने आज से 12 डेज पहले अपना ऑल टाइम लो लगाया था $1.53। यही 3 मंथ पहले अगर हम बात करें तो लूना ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था $19, जहां से 70% डाउन में चल रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लूना का करंट प्राइस आप देख सकते हैं $5.94 एंड कहीं कहीं 24 आवर्स में 192% का प्रॉफिट लूना कॉइन में नजर आ रहा है। बहुत से भाई लोग यहां पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आज के टाइम पे लूना में हमें बाइंग बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। देखिए मेरे भाई, मैं बहुत शॉर्टकट में आज आपको बताऊंगा, जब कोई भी क्रिप्टो कॉइन इतना अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट करता है, लगभग यहां पर 192% जिस तरीके से लूना कॉइन ने दिया है, तो क्या वहां पर बाइंग बनाकर हमें 10% या 20% या वहां पर अपने पैसों को 100% प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं या नहीं। देखो मेरे भाई, सिंपल सा आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल लेके। आज के टाइम पे यदि हम बिटकॉइन की बात करें तो करीबन $21,000 चल रहा है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। अभी यहां पर मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का प्राइस $21,000 चला है। जब मैंने आप लोगों को पर्सनली बताया मेरे भाई कि बिटकॉइन और इथेरियम में आप SIP कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब SIP करने को जब मैं बोल रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर 50% लोग आज के टाइम पे SIP नहीं कर रहे होंगे। अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को SIP करने को बोला है मेरे भाई, कि आज के टाइम पे जब बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ $21,000 है, और बिटकॉइन आपको पता है कल के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 भी जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन हमारी मदर करेंसी है। अब यहां पर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ये कि जब बिटकॉइन $1,00,000 जाएगा, उस केस में हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। जब प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब हमने एंट्री यहां पर ली होगी। सेम वही बता रहा हूं कि आज के टाइम पे लूना में यहां पर जो ऑल टाइम लो आप देख रहे हैं, जो $2 पे $3 पे एंट्री किए होंगे, वो आज के टाइम पे जब लूना 192% का प्रॉफिट दे रहा है तो वहां पर ये प्रॉफिट बुक करेंगे। जो बिगिनर होते हैं, जो क्रिप्टो में नए एंटर होते हैं, वो ऐसे क्रिप्टो कॉइन जो अच्छा खासा हाइप देता है वहां पर वो अपना बाइंग बनाते हैं। और बाइंग बनाने के लिए बहुत से लोगों से पूछते हैं, बहुत से लोगों का कमेंट मेरे पास आया था कि सर आज के टाइम पे हम लूना में क्या बाइंग बना सकते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से मेरे भाई बताऊंगा, आप अगर इस चीज को, इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आप कभी भी किसी भी क्रिप्टो कॉइन में लॉस में नहीं जाएंगे। वो ये है कि जिस तरीके से मैंने बिटकॉइन का एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि जब आप एक इनिशियल स्टेज पे बाइंग बनाते हैं एंड जैसे ही वो एक अच्छा रिटर्न देता है वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, सेम टू सेम लूना में जिन्होंने $2-$3 पे एंट्री किया होगा आज के टाइम पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, उसे कहते हैं एक स्मार्ट ट्रेडर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर। और जो आज के टाइम पे बाइंग बनाएंगे उनका पैसा लॉस में जाएगा। जैसे 2021 में जिन्होंने बाइंग किया था, मैं बात करूं वो चाहे नवंबर में या अक्टूबर में, सितंबर में, वो आज के टाइम पे उनका पोर्टफोलियो करीबन 70% से लेकर 80% डाउन में चल रहा है। यहां पर मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से ये बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्टकट में मेरे भाई, कि आज के टाइम पे या कभी भी कोई भी क्रिप्टो कॉइन जब इतना अच्छा बड़ा रिटर्न दे, लगभग 50% का रिटर्न वो दे दे, या 100% का रिटर्न वो दे दे, या 200% लूना जैसा रिटर्न दे दे, तो वहां पर आप लोग को बिल्कुल भी कभी भी भूल कर भी बाइंग नहीं बनाना चाहिए। वहां आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने बाइंग नहीं बनाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉफिट लोग बुक करेंगे तो 100% उसका पैसा कहीं कहीं उसका प्राइस जो चल रहा है वहां से वो डाउन आएगा। एंड जब डाउन आएगा, आप अगर वेट करेंगे, वेट करने का मतलब ये नहीं कि एक दिन या दो दिन आप वेट करें, वेट करो आप तब तक जब तक ये प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे ना मिले। जब मतलब एक एग्जांपल देता हूं कि आज के टाइम पे करीबन $6 के चल रहा है, जब ये $3 या $4 के आसपास ना मिले आपको बाइंग नहीं बनाना चाहिए। वैसे लूना के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मेरे भाई कहीं कहीं अपना नाम जो है अपना मार्केट में गंदा कर चुका है ऑलरेडी। आपको पता है कि लूना जो है टॉप स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में top 5 के अंदर भी आता था, एंड इसका जो प्राइस था वो यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा $100 के आसपास चल रहा था, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एंड लूना सिर्फ 3 से 4 डेज के अंदर इसका $100 जहां ऑल टाइम हाई प्राइस चल रहा था वहां से इसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 देखी थी। आप लोगों ने भी देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां पर क्या हुआ था कि मार्केट में लूना ने अपना नाम गंदा कर लिया। और आज के टाइम पे जब आप ऐसी क्रिप्टो कॉइन में एंट्री बनाने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आज के टाइम पे आप top 10 क्रिप्टो कॉइन उठाकर देखेंगे तो उसमें XRP रिप्पल का नाम हमेशा आएगा, और रिप्पल आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। लेकिन मैं बात करूं तो सबसे कम ट्रेडिंग इसीलिए मेरे भाई रिप्पल में हो रही है। एंड बहुत से लोगों का यही है कि सर क्या रिप्पल में हम बाइंग बना सकते हैं कि
नहीं। देखिए मेरे सिंपल सा आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो रिपल में कहीं ना कहीं करीबन मैं बात करूं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे उन्होंने 80% बाइंग नहीं बनाई होगी, और जिन्होंने बनाई भी होगी वो एक छोटी सी बाइंग होगी। एंड कहीं ना कहीं आप ये गौर करेंगे कि XRP एक ऐसा कॉइन है जो अपने ऑल टाइम हाई पर कभी नहीं पहुंचा। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि इसने अपने ऊपर एक मार्केट में अपनी छवि खराब की XRP ने, सेम टू सेम ऐसे लूना ने किया है। और जिसकी एक बार छवि मार्केट में गंदी हो जाती है वो कभी भी अपना नाम उस तरीके से नहीं बना सकता, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। एंड जो लोग ये बाइंग बनाने की सोच रहे हैं आपको यहां पर बाइंग नहीं बनाना चाहिए फिलहाल के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मैंने एक सिंपल सा साधारण सा वीडियो बनाया, बहुत से लोगों का क्वेरी आ रहा था कि लूना में बाइंग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि अभी नहीं बनाना चाहिए जब तक हमें मार्केट में कहीं कहीं निगेटिविटी न देखने को मिले किसी भी कॉइन में। अगर वो हाइप में जा रहा है बिल्कुल भी उससे दूर हो जाइए, जब उसका प्राइस हमें लो देखने को मिले वहां पर होता है एंट्री का टाइम, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।